Hi guys, it's time for Posting Happiness. आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो. बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है एक रोडीज लाइट है ये शो. बट उसके बहुत लाइट है. बहुत लाइट है. इस शो को रिव्यू करने के लिए और देखने के लिए काफी डेयरिंग होनी चाहिए आपके पास. मैंने बहुत फुल डेयरिंग करी है और अब तक मुझे इसके इंडिया वाले शो देखने पड़ते थे. अब मुझे सरहद के उस पार के भी शो देखने पड़ रहे हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम अपनी डेयरिंग डेयरिंग दिखाते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू. या हियर कम्स द मैन. उफ, कौन? वकार ज़ाका. हाई क्वालिटी वीडियो कैसे चल रहा है सर? कैसे आप? सही हमेशा मेरे शो में कहते हैं कि सिर्फ 17-18 साल के लोग आते हैं. गलत कहते हैं ना? किसी ने रोका तो नहीं ना आपको? किसी ने रोका. 32 इयर्स में करते क्या हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है. शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा नहीं. शादी नहीं हुई है? नहीं नहीं. 32 साल उम्र है, शादी क्यों नहीं हुई? ये क्या बात है? ये सरहद पार भी यही सेम एज के इश्यूज है. अगर 30 से ऊपर हो गए आपकी शादी नहीं हुई. एजेस ऑफ फीफा खेल के आ गया हूँ और मैंने अपने दोस्त के साथ खेला. थोड़ा उसने मुझे हराया, थोड़ा मैंने उसे हराया. एंड अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा. और मैंने खाना खा लिया और इसने खाना दे भी दिया मुझे. थैंक यू सो मच. खुद नहीं सोचा आपने? जो कोई प्रॉब्लम है वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कोई और? कोई प्रॉब्लम होना जरूरी है. बंदे को शादी नहीं करनी है. फिर बस ये है कि मंगनी हो गई है मेरी. हेलो मार्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता. बस ये अगर मतलब इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान चलो, जो मतलब बॉलीवुड से जो भी इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कंट्रीज या लोग, आप अपने प्यार का इजहार करो. दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है. मैं अपने प्यार का इजहार करूँ मेरे लिए? अभिनव, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती. प्यार का इजहार हो गया तो समझ आ गया ना कितना प्यार करती हूँ. जी नहीं सकती, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, खुदकुशी कर लूंगी. हाँ, बस बॉलीवुड में प्यार का मतलब यही, सिर्फ यही है. ये नहीं बोला तो मतलब नहीं कि आपने प्यार. हाई वोल्टेज. जीऊंगा तुम्हारे लिए और मरूंगा तुम्हारे लिए. आई लव यू मार्वी. भाभी है हमारी मार्वी. इनसे पहले कभी किसी से आपका कोई रिश्ता रहा है? कजन. इनसे पहले कभी किसी के साथ आपका कुछ रहा है, अफेयर वगैरह? नहीं नहीं, अफेयर नहीं, कुछ नहीं रहा. यानी 18 साल की उम्र से 32 साल तक आपने कभी किसी लड़की पे लाइन नहीं मारी? नहीं नहीं. ओह माय गॉड, शॉकिंग. 18 साल की उम्र से 32 साल के हो गए और आपने किसी पे लाइन नहीं मारी. अब ये ना उससे सॉर्ट ऑफ फोर्स कर रहे की बॉय कुछ कहानी निकाल के आई है, अपना कैरेक्टर दिखाइए. फोर्स होके बंदा कह रहा है हम किया तो था, कभी तो मारी थी लाइन. आप बेताब है बताने के लिए? बताए. नहीं, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ना मैं नहीं. तो लड़की को मतलब छेड़ा तो नहीं है, ताड़ते हैं. ये ताड़ते क्या कहा था उसने? उसको फोर्स कर दिया कि कुछ तो बता वरना शो पे क्यों आया. तो उसने पहले बोला था नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं किया. अब वो आगे की ये ले यार, ताड़ता हूँ ताड़ता हूँ. ले अब खुल गया भाई. ले लेते कि तेरे शो को मसाला चाहिए. आई गिव यू मसाला. ताड़ते हैं. ताड़ू हैं आप? जी जी जी. ताड़ू हैं आप? ताड़ू हैं आप? ताड़ू हैं आप? ताड़ू हैं. मुझे नया शौक है खाना. भुकड़े आप? भुकड़े आप? ताड़ू हैं आप? जी जी जी. ताड़ने की आदत है. किधर आप? जी जी जी. मुझे ताड़ने की आदत है. ताड़ने की आदत है. सुबह 6 बजे उठता हूँ, ताड़ता हूँ. एक बार दोपहर में 2 बजे और रात को सोने से पहले 8 से 9 के बीच में एक बार ताड़ लेता हूँ. कैसे ताड़ते हैं आप? भाई लड़की को कैसे? अच्छा, बहुत सारे लोग जो बाहर देख रहे होंगे लड़की को ऐसे खड़ा करो. सुनो लोग भाई, सुनो, तुम हमसे ज्यादा जल्दी में हो. अब आराम से पहले बात सुनेंगे आप, ठीक है? ताड़ू क्या होता है? ताड़ू ये होता है कि उसको किसी मतलब ऐसे उसके चेहरे को देखना या उसको अट्रैक्ट करना, ये होता है. उसे अट्रैक्ट करवाना ना, मरना खुदकुशी. एकदम यहाँ से एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे. चैलेंज दो. मैं
अरे कुछ तो किया उसने, कर तो लिया, कुछ तो किया। तूने क्या कर रही है? ये करना है। बकार इसने ये क्या कर रहा है? अच्छे से देखना। यार एफर्ट है। हाँ एफर्ट तो है। नहीं होगा। एक्चुअली मैं भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के ट्राई करूँ कि स्प्लिट कर पाऊँ। यार लेकिन एक ही बारे में तो तू इतना नहीं कर सकती। जितना मैं कर सकता था किया। मैं चाहता हूँ आपकी सिलेक्शन हो। नहीं डिसाइड आप करोगे, मैं कोई और डेयर दे सकते हैं। चलो आसान चैलेंज, 8 सेकंड का रिकॉर्ड है मुल्तान के एक लड़के का। ऐसे कुछ भी कौन है मुल्तान? निकालने में देरी हो गई, पी लिया था। लेकिन उसने पी लिया था, मतलब ये भी शॉकिंग है। वो कर रहा है बंदा जो जो उसे टास्क दे रहे हैं, डिफेंसिव हो रहा है। लेकिन करा उसने 7 सेकंड में, जिसका जो पानी है वो खत्म हो गया था 7 सेकंड में। पानी है उसके अंदर, जो पानी है बोतल मैंने का जो पानी था वो खत्म हो गया था 7 सेकंड। बोतल का पानी खत्म हो गया था 7 सेकंड में। बोतल मैंने बात कर रहे पूरे भी बार्गेनिंग मोड में हमने निकाली है मुंह से। जो चैलेंज था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है 7 सेकंड का। अरे चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी। अरे वाह हो गई स्टेट कर दिया। और उसने कैसे बाय द वे कह दिया? और उसकी शक्ल देख, कोई खुशी नहीं है इसकी सिलेक्शन। बोल तो अगर तू कितना बोलता है यार, तू मारवी को कैसे खुश रखेगा भाई? सुन तो ले, इस बात पे वो मारवी को खुश नहीं रख पाएगा क्योंकि वो वकार इसकी सुन नहीं पा रहा है। पहले मेरी बात, तुम्हें खुद पता है तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिलेक्शन हो। अबे तो मैंने क्या बोला है? मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई। पता ही बंदा ना, ये बेचारा कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे इस बात की इतनी खुशी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी। पर उसके बॉडी लैंग्वेज है मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसे नहीं आ रहा, कुछ लोग होते हैं जो शब्दों के खेल में थोड़े फंस जाते हैं। कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। जय मेरे पे छोड़ा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। नहीं मैं बेवकूफ हूँ? मैंने कब कहा? देखा मैंने कहा ये बहुत ऐसा है यार, थोड़ा ये भी वियर्ड है। मैंने कब कहा? अब वकार इज नॉट टेकिंग ऑफेंस इस सब में, व्हिच इज नाइस। रिजेक्ट कर दो। अरे 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 वो चल के चला गया, ऐसे चला गया। दिखाइयो एक बार वो एंडिंग उसकी। नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है या आप मुझे कर सकते हो। अब आ रही है कराची की तूबा। तूबा मंसूर, कौन है तूबा मंसूर? क्या करती है? क्या उसके एम्स है? क्या जिंदगी में अचीव करना चाहती है? मैं शूट वगैरह करती हूँ। आपने यहाँ फॉर्म पे KL लिखा हुआ है, आई एम KL। KL क्या होता है? KL मतलब कमाल लॉन्डी। क्या? जैसे कमाल, मैं हर जहाँ भी जाती हूँ। लिखा क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा लग रहा उसने अभी अभी सोच के बनाया KL मतलब कमाल कर देती हूँ। अच्छा KL का मतलब है कमाल लॉन्डी। यहाँ कमाल लॉन्डी आई हुई है हमारे पास। अपने लिए कौन लॉन्डी बोलता है? मैं कमाल लॉन्डी हूँ। क्या ऐसा कमाल किया आपने जिंदगी में आज तक? बहुत कुछ। बहुत, इसमें से कोई टॉप 3 बता दे भाई। बहुत कुछ किया है। लगे आप वाकई KL है। KL कितना स्लीजी है ये, जिससे लगे कि आप वाकई KL है। ये तो KL है इंडिया वाले में ज्यादा। हाँ नहीं, एटलीस्ट इंडिया वाले में जज या होस्ट तो इतना स्लीजी वे में ऐसे आप कमाल है KL है। आपने ऐसे लिख दिया KL ताकि मैं बोलूं वाह ये क्या चीज लिखी है भाई। कमाल काम कमाल दिखाएं। क्या दिखाऊं आप बताएं, मैं कर देती हूं। मैं तो चाहता हूं आप कमाल करके दिखाएं। सोच ले। ओहो आप भी वही हैं जो हमारे शो में लड़कियां थी। सोच ले, देख ले, ऐसा करूंगी मैं उन लड़कियों की
तरह नहीं हूँ कि बस ड्रामे करूँ आके और चली जाऊँ। आप ऐसे ही बोलती हैं असल में भी, या अभी यहाँ पर ऐसे बोल रही हैं? मैं ऐसे ही बोलती हूँ। या फिर आपको भी लग रहा है कोई एक्टिंग कॉन्टेस्ट है तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ? क्या कमाल कर सकती है, बहुत कुछ। यार क्या बोल रहे हैं लड़की, आप कमाल क्यों है? क्योंकि मैं कमाल चीजें करती हूँ। क्या कर सकती है, बहुत कुछ। लेकिन वो मुद्दे पे ही नहीं आ रही है, पॉइंट क्या है? वो खुद भी बैठ के सोच रही है अभी के अभी ऑन द स्पॉट, क्या बोलूँ, क्या कर सकती हूँ मैं? बहुत कुछ कर सकती हूँ। यार मैं ये देखना चाहता हूँ आप खुद क्या सोच के आई है। खुद कुछ नहीं सोच के आई है। उसको कुछ नहीं पता, उसको वो सोच भी नहीं पा रही है कि मैं ऐसा क्या करूँ। ऐसे उसके कॉलेज में बोल दिया यार इसके ऑडिशन हो रहे हैं, इसका फॉर्म आया है, तुम कर दे। कर दूं? अरे यार ये क्या है, कर दे। सोच ले। सोच लिया। सही में अब तो सोच ही लिया। क्या करना है, सोच ले। अरे भाई ड्रामा खत्म करें, जो करना है करके बताएं, ताकि पहली चीज आप बताएंगी फिर हम कोई आपको चैलेंज देंगे। कुछ सोच के आए तो कर दे बस। पक्का? ये जरूरी है किसको इतना सस्पेंस स्टार प्लस का ड्रामा बनाना है? Hello. What does he mean? Star Plus का ड्रामा बनाना है? हमारे देश की शान है Star Plus. हाँ. क्या? नशे में? नहीं. नशे में हो? मुझे weird लगा, क्या कर रही है? नशे में हो? तो फिर? मैं नशे नहीं करती. एकदम इतना ज़्यादा स्टे लंबा क्यों ले रही है? वैसे ही. कि क्या कमाल कर सकती है? ओहो, ओहो. इतना बिल्डअप क्या कमाल था भाई। मुझे आप बगैर थी नहीं लगी आपको? नहीं बगैर थी नहीं लगी आपको? आप मुझे क्यों उठ से छोटे से बच्चे लगते हैं, इसलिए किया? क्यों मतलब बच्चों को हम किस नहीं कर सकते? ये कहाँ जा रही है ये कॉन्वर्सेशन, इसको ये किस एंगल से छोटा सा बच्चा लग रहा है? अगर ये चीज ऑन एयर जाएगी तो आपको नहीं लगता लोग कहेंगे कि यार ये क्या बगैरती की आपने? ये क्या है बगैरती, इतने भारी शब्द क्यों दे रहा हूँ? और जब वो किस कर रही थी तो बैठा था आराम से, ऐसे बैठा था, उसने किस किया, उसने वेट किया, उसे पता था वो किस कर, उसके ऐसे कर रहे हैं। इस एंगल से मैं आपको बच्चा नजर आ रहा हूँ। Now he wants to hear good things about himself. सर आप इतने यंग लग रहे हैं इसलिए बच्चे नजर आ रहे हैं। पता नहीं बस मुझे लगे तो आप बोल दिया मैंने। आप बस ऐसे सोच के आई थी एक ड्रामा करना है मुझे इस तरह एक्टिंग करके? नहीं अरे भाई यही वो आपने खुद बोला आपने जी सांप वाप ये सब। अरे तो ये वो थोड़ी चल रहा है कि मैं आपके घर पे आया हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, आपके साथ में हमदर्दियाँ दिखाऊँ, करना तो करें। क्यों रहे? स्नेक टच करना उसे। इनका वो नहीं है कोई एनिमल वेलफेयर लॉस, हमारा तो अलाउड नहीं है। आज भी नहीं लगाया जा रहा आपसे तो आगे शो में क्या करेंगे आप, 1 करोड़ में मुफ्त के आए हुए? वो दूसरी लड़की से आराम से पीछे बैठी है, वो कौन है? चलो यार क्यों नहीं कर रही तुम, टाइम जाया कर रही हो इतनी देर से। अरे भाई क्या भाई भाई आते साथ तुमने बोला सांप वांप जो भी आगे इससे खतरनाक चले जाएंगे। इसने खुद बोला, इसने खुद कहा होगा कि हाँ हाथ में उठा के दिखा दो, इतने भरम से क्यों बोला था पहले सांप वाप जो भी है मैं कर लूंगी। बच्ची सी है अब वो मुंह में नहीं डाली, अगर उसे उठा के गले में रख लिया खत्म। गले में भी रखना है? मैं आसान कर दिया इसने आपको चैलेंज, अगर ये उठा लेती तो आपको मुंह में रखना पड़ता। कैसे उठा लेगी? उठा के गले में, हार माननी तो चलिए। इतनी काम कैसे? अरे मुझे गले में डाल, वैसे तो उसका मुंह मुंह में रखना था। इतने आराम से बैठी पकड़नी करते। वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उसने मुंह में नहीं लगाया तो आपको सिर्फ गले में रखना है, वरना उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो मुंह में लगाए। और कोई फरमाइशी प्रोग्राम? आपने लिखा है ना साइन किया कुछ भी, वो कौन जिम्मेदार है? He's spelling out with so much confidence. वो कह रही है काट दिया तो आपने साइन किया ना कि आप ही जिम्मेदार है। 1 करोड़ ही हलवा लगता है आप लोगों को। आएंगे सुर्खी बॉर्डर लगाएंगे, बोलेंगे मैं हूँ मिस पाकिस्तान, 1 करोड़ ले जाएंगे। सर मैंने कभी कुछ किया नहीं है। अरे तो भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पहले से।
मुझे तो लग रहा था आप कर लेंगी। हाँ मुझे भी लगा था। चलो शाबाश, एक और कंटेस्टेंट बुला लो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आने से पहले अगर आपने उठा लिया तो ठीक है, वरना वो आएगा या आएगी, अगर लड़का हुआ तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सक्सेस बात करती हूँ, लड़का आएगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा। गलत कर रही है, हाँ आप करती रहे, आपका टाइम चल रहा है, जितना दिया उससे भी देंगे। अरीबा वो है शो में ये पकड़ेगी यार, ये क्या एक नई कंटेस्टेंट बेचारी अभी अभी चल के आई है। अरीबा ये सांप है, उसको उठा के पकड़ेगी गले में, वो भी उसका फेस देख के क्या हो रहा है। मैं तो ऑडिशन देने आई थी, ये क्या हो रहा है। मैं डेयर करना चाहती हूँ। अच्छा इन दोनों से तो ये नहीं हो रहा, क्या करना, मुंह में रखना है इसको। वो शौक में चली गई है क्या? क्या सच में? यार असली क्या बोला? मुंह में रखना है? हंसी आ रही है। वो कह रही है ये कहाँ गए? मुंह पे नहीं रख सकती मैं, सिर्फ इसे पकड़ सकती हूँ। ये फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं, अगर ये नहीं उठा सकी तो फिर आपको ये करना होगा। अगर आपने गले में डाल लिया तो इनको मुंह में रखना पड़ेगा। अगर आपने गले में नहीं डाला इनको सिर्फ गले में डालना है और आप दोनों रह जाए। मैं सिर्फ इसे गले में डाल। हाँ अरीबा क्या करती है जिंदगी में, तुम पकड़ो जल्दी हमारा कंपटीशन चल रहा है। मैं सर मैं गले में, गले में अगर वो गले में डालेगी तो नहीं सर मैं गले में। अब कह रही हो नहीं मैं तो ये नहीं करूंगी, ये करूं। मैं ये मुंह में नहीं रख सकती। क्या करना चाहती हूँ जिंदगी में? आगे कुछ नहीं बेचारी, आपका टाइम चल रहा है, उठा सकती है हार मान। यार क्या माने, वो कह रही है दूसरी कंटेस्टेंट के लिए सर ये उठा के मेरे गले पे डाल दे, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अच्छा एक मिनट, हाँ रीबा क्या हुआ तुम्हें, आंसू भी निकला है? नहीं मैं तो देख रही हूँ अच्छी शक्ल से। चले आप दोनों में से जो पहले उठा लेगा ना और अपने गले में डालेगा वो जीत जाएगा। दिन में कहाँ घूम रही है वो, तो वहाँ बैठ के डर रही। स्वाली ने टोकरी गिरा दी, उसने कपड़ा गिरा दिया, सब साइड कर दिया। तीनों को प्रॉपर चांस मिलना चाहिए ना, अब तीनों गोल गोल घूमते हुए जो उठा के गले में पहले डालने की वो जीत जाएगी, दूसरी उठा डॉग एंड द बोन खेल रहे हैं, जो पहले उठा के गले में डाल लेगा वो। और वो तीसरी वाली तो अपने माइंड में गिव अप मार चुकी है, मैं तो टीवी देख रही हूँ मुझे नहीं करना। आके अपने गले में डालने लगे आप छीन सकती हैं उसे। आप छीन सकती हैं, वो गले में डाल दूंगी आप छीन सकती हैं। बेचारा सांप, ओए क्या कर रही है, ये गलत कर रही है, ऐसे कौन करता है। वो कह रही है ऐसे करके उस वाली को कह रही है मैंने टच तो कर दिया। टच कर दिया मेरा वन पॉइंट। और क्या होना चाहिए इसमें, कैंडी। ओए ये पकड़ेगी रेड वाली, यार रियल है वो। ओ माय गॉड, ओए क्या घुमा है। अच्छा भाई चैलेंज थोड़ा और मुश्किल करते हैं। ये ही नहीं हो रहा इनसे, कह रहे और मुश्किल। ये मस्ती कर रहा है। सिर्फ इसके मुंह से अपना मुंह लगा लेना आपने दो मिनट के। उसके मुंह से तो डर लग रहा है। क्या पकड़ मुंह तो ले जा सकती है ना क्या? हाँ जाए, पहले पहले आपकी बारी आए। बट वो मुंह खोल रहे हैं ना अपना। चलिए बातचीत करें, बातचीत करें। जो उठाए दूसरा छीन सकता है। उठा लिया गले में डाल दे। भाई क्या चल रहा है, नीचे नहीं करना चाहिए। पकड़ो पकड़ो ये गया बाहर। यार क्या चल रहा है, बेचारे सांप को क्या कर रहे हैं, वो तो भाग गई थी। गले में डाल दे यार, सिर्फ तो हमसे पकड़ने कहा था ना, पकड़ लेगी, पकड़ लिया। अब ये कुछ नहीं कर सकती है। डाले सर पकड़ना होता है। आप दोनों आ जाओ, नहीं नहीं वही रख रहे हैं, चलो इधर आओ। यार उसने कर दिया मगर, तो मैंने अपना पैसा लगाया था उससे, मैंने कहा था ना पकड़ लेगी। मैं नहीं छोड़ सकती, प्लीज मुझे रख, प्लीज इसे रखने दे प्लीज। अगर सेलेक्ट होना तो ये रहा, ये बहुत उछल रहा है बेचारी। बेचारी यार ये तो गलत है, ये तो सही नहीं हो रहा। या वो ना इतना डर रही है और ऑलमोस्ट रो रही है, क्रू वाले ना हंस रहे होंगे तभी। वो बीच में हंस रही है, लाइक उसको हंसी आ रही है देख के, देख के। आ जाए नेक्स्ट। ओह मामा प्लीज ऐसा मत करिए, फिर उछल रहा है। आए जी नेक्स्ट, बैठे खड़े रहना आपने। वालेकुम सलाम जी, बैठे इस पर, बैठे इस पर। ओह मामा
सॉरी जी, क्या करती जिंदगी में आप? सिंगिंग करती हूँ। ऐसे खड़ी रहेगी बेचारी। मैं सिंगिंग करती हूँ, वो खड़ी ऐसे ऐसे ना करें ऐसे। How is this fit for TV? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। क्या काम है? क्यों चल रहा है? प्लीज आप सिंगिंग की वजह से नहीं आई, आप जो डेयर देंगे वो कोशिश कर रही हूँ। आए इनके साथ खड़ी हुए। बातें तेरी करते हुए तेरे तरह अरे हमारी तरह रातों में नवाजिश हार मांग रही है यार, कितना आराम है यार, छोड़ दे। आपको रुकने को तो नहीं बोला हमने, गए उसने इतनी देर रख लिया, आपको अपना सुर मेंटेन रखना है। अगर आपने उठा के गले में डाला और सुर मेंटेन नहीं रहा तो फिर भी आप सुर मेंटेन को छोड़ दे यार, समझ गए? मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के उससे प्यार सा आ जाएगा। अगर तुम हंसी ना अब नहीं हंसता। उसे कह रहा है कि अब नहीं हंसना, अगर तुम हंसी ना। अरे नहीं करेंगे, चल बुलाए नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाए। जब मैं बोलता तभी यार तुमसे तो पकड़ा भी नहीं यार। सर कुछ और भाई, ये भाई बहुत आसान चैलेंज है बच्चों वाला, सांप वाला तो ये बचपन से चैलेंज हो रहा है, रोने की क्या बात है। हमारा बचपन ही तो है, बीतने से तो है। खड़ी हुई सामने, आप आई हैं हांगकांग से। इस वक्त मैं हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और अभी थोड़ी देर मेरी फ्लाइट है थाई एयरवेज से। फाइनली प्लेन में बैठ गई हूँ, मैं उड़ान जाकर के शो में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आपको यहाँ कोई और काम था, इसके लिए आई है? नहीं नहीं, सिर्फ इसके लिए आई हूँ, सिर्फ इस शो के लिए आई हूँ। अच्छा क्यों? बस मेरा बहुत दिल चाहता था, मैं एक वक्त ऐसा था कि मैं बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकती थी और मैं हमेशा लिविंग ऑन द एज देखती थी। यूट्यूब पे सारी जो भी एपिसोड है सब देखी है मैंने और आपकी इतना इंस्पायर होती हूँ आपसे। ये सब सुन के फिर वो कहेगा चले उठाइए सांप, सांप उठा के गले पे लगा के अपने मुंह से लगाई। तो हांगकांग में कब से रह रही हैं आप? फादर क्या करते हैं आपसे? हांगकांग से यहाँ तक आने के पैसे किसने दिए? कितने साल के हैं? कितना टाइम लगा वहाँ से आने में? किस डेट को थी आपकी फ्लाइट? आपने हांगकांग से आने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? वो इतना पैसा खर्च करके वो यहाँ आए सिर्फ इस शो के लिए आई आप? सिर्फ इस शो के लिए आई हूं, पूछ कर। यहां कहां रुकी आप? तो यहां फादर के साथ आई हूं। बताएं जरा जिस एरिया में रहती हैं उसके बारे में बताएं जिनको नहीं पता, कौन सा एरिया और क्या? ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये? आप यहां कैसे आई हैं, कितने बजे आई हैं, कहां पाप किससे पैसे लेके आई हैं, समझ आ गया क्या एज है? ये इनके शो पे ना पहली ऐसी एनआरपी आई होगी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान। ये पहली एनआरपी आई है तो वो ना पूरा वैलिडेशन ले रहा है और सबको ऐसे वैलिडेट करे कि देखो देखो ये बता रही है, ये सब डिटेल बता रहा है, सच में हुआ है, ये हमने नहीं बोला, ये नॉन रेजिडेंट और आ रही है। देखो ऐसे भी आते हैं लोग, हांगकांग से आते हैं यहाँ पे। इन दोनों की हालत देख रहे हो कैसी हुई है? वो पीछे रेड वाली कह रही है कि सही क्या हालत, मैं तो उठा चुकी, मैं तो कर लिया। मुझे नहीं लगता इतनी दूर से टिकट देकर इस तरह माँ बाप के पैसे जाया करा के आना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी चाहते हैं जो बच्चों का ड्रीम होता है वो पूरा हो, तो आई थिंक वो मेरी खुशी में भी खुश होंगे। अब देखें ये जो दोनों खड़ी हैं ये कराची से हैं, इनको एक चैलेंज दिया था बिल्कुल फंस गई इसमें, इसने कर लिया। लेकिन दूसरी वाली सोच रही है भाई मैं कहाँ फंसी, तू बताए कर पाएगी या नहीं? कर ले, हांगकांग में सब देखा है ना, वो इतने एफर्ट लेकर यहाँ तक आई है तो शाम को गले में डालना है। क्या किया भाई तुमने बताओ? आवाज तो निकालो, डाल के पकड़ा है साहब। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसे कर ले, इसने इतनी जल्दी खोल भी लिया। मैं कहता रहा हूँ कर ले, देख मैं ऐसे स्टंप पे ऐसे पहचान लेता हूँ। अब अपनी स्लीव्स भी ऊपर कर रही है कि चलो लेट मी गेट रेडी फॉर दिस। वो कवर कर रही थी, ये ऊपर कर रही है। अच्छा अच्छा आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं करना, बच्चा हो रहा है। ओके ओके चलो चलो। अरे इसने तो डाल के हाथ भी नहीं लगा रही, छोड़ दिया उसने डाल के गले में। ये तो अल्टीमेट है लड़की, ये तो
फेयरलेस है ये, और पूरा फेयरलेस यार एक्चुअली देख उसने इतने प्यार से जैसे किया ना आ जाओ तो सांप वो नहीं हुआ जैसे डिफेंसिव हो रहा था ना सांप पहले ऐसे 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 कर रहा वो नहीं कर रहा ऊपर से उसका सर नीचे चला गया आराम से नॉन थ्रेटनिंग वे में किया उसने बड़े सही। आओ कराची की दोनों लड़की आ गया तो गिरना नहीं चाहिए गिर गया तो रिजेक्ट। मैंने जिंदगी में कभी स्नेक नहीं देखा ना कभी देखा है ना कभी इसको हाथ लगाया पर मैं यही सोच के आई थी कि मुझे करना है मुझे तो कॉकरोच से भी डर लगता है पर आई डोंट नो पास पे तो ये ले अरिबा एंजॉय खड़े हो कैसा लग रहा है सेलेक्ट होके उसको जाने उससे खर्चा बाद में मिलूंगी। अब कैसी फीलिंग है किसके डेडिकेट करती हैं आप ये मुझे जो लेकर आया उसको कौन तेरा कजन उसने आपको कहा था आने के लिए हाँ, उसने कहा था। जबरदस्त हो गया बहुत मुबारक हो आपको देखें पीछे किसका नाम है रहीम आपकी सिलेक्शन होगी मैं अंदर गई और दोनों के कितना गंदा है वो और उसने कैसे किया उसने कहा कि देखिए पीछे किसका नाम लिखा है पहले कह रहा है किसको थैंक यू कहना चाहती है वो बेचारी कह रही है मेरे कजन को जो मुझे हाल लेके आया देखिए पीछे किसका नाम है किसकी सिलेक्शन तो गलत हो गया उसको भी देना चाहिए था वो लास्ट वाली जो थी वो बड़ी सही थी जो मैं देखो वही कहा था ना कि मैं ऐसे पहचान लेता हूँ उसको भी मैंने सही पहचाना किया कैसे यार एकदम छोड़ भी दिया ऐसे कौन करता है यार सांप को तो मुझे पकड़ के रखते हैं उसने जैसे इतने अच्छे से उसको है ना आजा 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 सांप भी शांत हो गया तो उसने वो सब नहीं किया ना जैसे बाकी टेबल पे ढन ढन मार रही थी मतलब सांप को डराया नहीं एक बार में उठाया गले में डाला और बस और उसने पकड़ा भी मतलब वहां से नहीं जहाँ से नॉर्मली लोग पकड़ते हाँ और उसने डाल मुझे सबसे स्ट्रेंज लगा उसने डाल के सांप छोड़ दिया ऐसे खड़ी हो गई हाथ नीचे कर दिए और सांप घूम रहा है उसके मुंह पे भी यार तो उसे डर ही नहीं लग रहा यार ये पक्की फेयरलेस थी यार इतना फेयरलेस तो मैंने नहीं देखा कोई तो तुझे इसमें और रोडीज में बेटर कौन सा लगा रोडीज प्लीज ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम था और वो बेचारे सांप के साथ बहुत नाइंसाफी थोड़ा स्ट्रेंज तो था ये शो लगाता हूँ